Excellencies. Mr. Prime Minister, thank you very much, and I now hand over the mic to you. हार्दिक स्वागत है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जेम्स मरापे मेरे साथ इस समिट को होस्ट कर रहे हैं। यहां पोर्ट मोरसबी में समिट की सभी अरेंजमेंट्स के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं। जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। इस वर्ष जनवरी में हमने वॉइस ऑफ साउथ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। आपके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, अपने विचार साझा किए और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को G20 के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है। एक्सेलेंसीज, पिछले दो दिनों में G7 आउटरीच समिट में भी मेरा यही प्रयत्न था। हिज एक्सेलेंसी मार्क ब्राउन, जो वहां पर
पैसिफिक आइलैंड फोरम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे इसके साक्षी हैं। एक्सलेंसीज, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने लाइफ मिशन लाइफ, और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ का मेरा मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRA जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है CDRI के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। एक्सलेंसीज, फूड सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए हमने न्यूट्रिशन को और वातावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा है। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। इनकी खेती में कम पानी लगता है और उनमें न्यूट्रिशन भी अधिक है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। एक्सलेंसीज, भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है, आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। पाउल का कन्वेंशन सेंटर, नाउरू का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, फिजी के साइक्लोन प्रभावित किसानों के लिए बीज और किरीबास का सोलर लाइट प्रोजेक्ट, ये सभी इसी भावना पर आधारित है। हम बिना किसी संकोच के अपनी क्षमताएं और एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करने के लिए तैयार है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिक्योरिटी हो या फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज हो या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, हम हर तरह आपके साथ हैं। एक्सलेंसीज, आपकी तरह हम मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास रखते हैं। फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज भी यूएन सुरक्षा परिषद में बुलंदी से उठनी चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सुधार हमारी साझा प्राथमिकता होनी चाहिए। हिरोशिमा में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ क्वाड में मेरी विस्तार से बात हुई है। इस बातचीत में इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर विशेष फोकस दिया जा रहा है।
क्वाड की बैठक में हमने पलाऊ में रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN लगाने पर निर्णय लिया है। हम प्लूरालिटिकल फॉर्मेट में पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ सहभागीदारी बढ़ाएंगे। एक्सलेंसीज, मुझे खुशी है कि फिजी की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक, उसमें सस्टेनेबल कोस्टल एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कोरी की स्थापना हुई है। यह इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत के अनुभवों को पैसिफिक आइलैंड देशों के विजन से जोड़ता है। R&D के साथ साथ यह क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का समाधान करने में भी उपयोगी है। आज स्कोरी को 14 देशों के नागरिकों के कल्याण, प्रगति और समृद्धि के लिए समर्पित करने में मुझे खुशी है। उसी तरह मुझे खुशी है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय और मानवीय विकास में उपयोग के लिए वेबसाइट का लॉन्च हो रहा है। इसके जरिए आप इंडियन सैटेलाइट्स नेटवर्क से अपने देश का रिमोट सेंसिंग डाटा डाउनलोड कर सकेंगे, अपनी अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं में इसका उपयोग कर सकेंगे। एक्सलेंसी, अब मैं आप सभी के विचार जानने के लिए उत्सुक हूं। एक बार फिर आज इस समिट में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।